खबर की बात करते हैं जो दौसा से आ रही है। दौसा के लालसोट में युवती के बोरवेल में गिरने का मामला, युवती ने करवा दी पुलिस प्रशासन की परेड। युवती को पुलिस ने जयपुर से किया दस्तयाब, प्रताप नगर थाना पुलिस ने प्रेमी के साथ पकड़ा युवती को। युवती के मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने ली राहत की सांस, मौके पर चल रहे खुदाई के काम को तुरंत प्रभाव से करवाया बंद। दिन भर से युवती की तलाश में चल रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन, बोरवेल में गिरने की सूचना के बाद चल रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन। और लक्ष्मीकांत सीधे हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। लक्ष्मीकांत, तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था लेकिन यह युवती अपनी प्रेमी के साथ पाई गई, क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट आपके पास लक्ष्मीकांत? 12 बजे से जो प्रशासन है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा था। लगभग 30 से 35 फुट जो है वो खुदाई हो चुकी है और जो लड़की है उसको जयपुर से प्रशासन ने दस्तयाब कर लिया है। बाकायदा जो है वो बता दिया गया है। हमारे साथ जो एडीएम साहब है उनसे बात करेंगे। ऐसा क्या रहा पूरा घटनाक्रम, पूरी जानकारी बताएं जिस तरह से 9-10 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन। देखिए, अर्ली मॉर्निंग हमें इंटीमेशन मिला कि यहाँ एक इस तरह का इंसिडेंट हुआ है कि बच्ची है जो 19-20 ईयर्स ओल्ड है और वो सनोपुरा गांव में उनके पास उनके खेत में ही एक बोरवेल है, खुला बोरवेल है, उसमें गिर गई है या कुछ अटेम्प्ट किया है। हमने मामले को तस्दीक करवाया लेकिन प्राइमे पेशाए हमने ये मानते हुए कि इसमें हो सकती है खुदाई भी चालू करवाई। 30+ फीट हमने इसको खोद दिया था, 30 फीट से ज़्यादा हमने खोद दिया था। इन बिटवीन हमने दूसरे पहलुओं पर भी काम करना शुरू किया और हमारा जो दूसरा पहलू वो ठीक निकला और वो युवती जो है, लड़की है, वो जयपुर में अपने परिचित के यहाँ से दस्तयाब हो गई है। देखिए, क्या वजह हो सकती है, ये कोई साफ तौर पर कुछ निकल कर क्या आया? नहीं, ये सब बात की बात है लेकिन प्रथम दृष्टया वो अपने परिचित के यहाँ मिली है तो वो मेरे ख्याल में मनमर्जी से ही गई होगी, बाकी बात जांच सब जाहिर हो जाएगा। देखिए, पूरे ऑपरेशन को जो सुबह से डील कर रहे थे जो CO लालसोट हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या रहा पूरा घटनाक्रम, किस तरह से युवती को दस्तयाब किया गया है, किस तरह की इनपुट और इन्फॉर्मेशन मिल रही थी? सुबह जो सूचना के बाद में जो हालात थे बोरवेल के, वो एक्सपर्ट्स लोग थे, कुछ लोकल लोग थे यहाँ के, उनका मानना कुछ और था। उस हिसाब से इनके जो परिजन हैं इनसे सख्ती से पूछताछ की गई, जो कुछ और संभावनाएं हो सकती थी पैरलर उस पर काम किया गया, इसलिए एक टीम जो है उसके परिचित वगैरह के वहाँ पर भेजी गई। इधर जो बचाव राहत कार्य है वो कंटिन्यू किया गया लेकिन जो दूसरी पुलिस टीम वहाँ गई हुई थी उसने परिचित के वहाँ से उसको दस्तयाब कर लिया। इसलिए सर, कहीं ना कहीं प्रशासन को सुबह से इस तरह का अंदेशा था लेकिन प्रशासन बता नहीं पा रहा था इस चीज़ को या क्लियर नहीं कर पा रहा था। वो चूंकि एक महिला की प्राइवेसी का मामला था इसलिए उसका सम्मान रखते हुए, उसका ध्यान रखते हुए जो उचित कार्रवाई थी जो वो समय पर की गई। लक्ष्मीकांत, तो ये भी जानने की बात है कि क्या अब परिजनों से बातचीत हो पाई और क्या अब लड़की को वहां पर बुलाया जा रहा है, क्योंकि तमाम जो प्रक्रिया चली है वो काफी लंबी चली और ऐसे में लड़की को भी इस बारे में जानकारी होगी। लक्ष्मीकांत, लड़की है वो कब तक यहां पहुंच पाएगी और किस तरह से दस्तयाब किया गया, कहां से दस्तयाब किया गया? लड़की जयपुर में अपने परिचित के यहां से दस्तयाब की गई है और वो वहां से रवाना हो गए, जैसे ही जो जर्नी टाइम है उसके बाद पहुंच जाएगी। देखिए, बिल्कुल जो CO मनराज जी हैं उनका कहना है कि लड़की को जयपुर में दस्तयाब कर लिया गया है और उसको जयपुर से रवाना करके और लालसोट जो है, जो गांव है, यहां पर लाया जा रहा है। और यानी कि कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो 9-10 घंटे की जो प्रशासनिक मशक्कत है वो केवल मशक्कत बनकर के रह गई, जबकि बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा था और कहीं ना कहीं इस तरह की संभावना थी कि लड़की, युवती जो है वो बोरवेल में जाकर गिरी है। लक्ष्मीकांत, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हमने ये तो देखा कि प्रशासन ने पूरी तरह से सख्ती बरती। एक तरफ बोरवेल में काम लगातार चल रहा था, दूसरी तरफ खोजने के लिए लगातार प्रक्रिया चल रही थी, शायद यही वजह है कि जल्द से जल्द पकड़ा गया, अदरवाइज तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता और उसमें मैन पावर लगे रहते और फिर शायद कुछ और भी हो सकता था। देखिए, बिल्कुल जो प्रशासन है वो अलग अलग एंगल्स पे काम कर रहा था, जो जिस तरह की सूचना, जिस तरह के इनपुट प्रशासन को मिले थे, चूंकि मौके पर लड़की के जो कपड़े और एक जो लिखित पत्र है वो भी मिला था, तो दोनों संभावनाओं पर प्रशासनिक अधिकारी जो है वो लगातार काम कर रहे थे। लेकिन चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा था, दूसरी तरफ जो पुलिस जो है वो अपना काम कर रही थी, कहीं ना कहीं जो इनपुट है वो कलेक्ट करने में पुलिस लगी हुई थी और आखिरकार जो जो तकनीक जिसे कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए।